ठीक है, अगर आपको कोई पेंडुलम SSM कर रहा है और उसके लिए टाइम पीरियड निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? ये सपोज आपके पास, आपने एक तरीके से उसको अटैच कर रखा है किसी स्ट्रिंग को, और यहाँ पर कोई मास है, तो जो मास है ये क्या करेगा, आपके पास SSM करता है, तो मान लिया ये इसकी एक्सट्रीम पोजिशन है और ये मीन पोजिशन है O, ये एक्सट्रीम पोजिशन है। अब क्या होगा, ये आपके पास मूव करेगा, तो अगर मैं बोलूं कि इसका जो मास होगा वो नीचे को एक्ट कर रहा होगा, जो मास होगा वो नीचे को एक्ट कर रहा होगा mg, और जो इधर वाला कंपोनेंट होगा जो दूर की ओर होगा, अगर आप उसको cos थीटा माने, आप इसको भी cos थीटा मान सकते हैं, क्योंकि जो ये एंगल है वो थीटा है, तो अगर आप थीटा देखें इसके वर्टिकल, तो ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर, इस mg cos थीटा वाले के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो होगा mg sin थीटा। अब जो ये mg sin थीटा है ये क्या कर रहा है एक्चुअल में, ये आपके पास इसको आगे की ओर मूव कर रहा है, और cos थीटा वाला नीचे की ओर इसको खींच रहा है किसी भी स्ट्रिंग को, और ना हम यहाँ पर कोई टेंशन नहीं लेते हैं या फिर फ्लेक्सिबल मानते हैं किसी भी स्ट्रिंग को, दूसरी चीज वेटलेस ना मानते हैं, ताकि जो भी मतलब कि जो भी कैलकुलेशन हो या फिर ऑसिलेशन हो वो एक टाइप का रियल ऑसिलेशन हो, ठीक है ना। तो मतलब इसमें हम जो ऑब्जेक्ट भी लेते हैं वो स्मॉल शेप की लेते हैं, ताकि एंगल थीटा छोटा बने, अगर एंगल थीटा बढ़ गया तो ऑसिलेशन ढंग से नहीं हो पाएगा, वो एक परफेक्ट ऑसिलेशन नहीं होगा। अगर आपको परफेक्ट ऑसिलेशन चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो एंगल हमेशा छोटा होना चाहिए, और वो एंगल छोटा कब होगा, जब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो छोटा होगा, जो बॉब होगा वो छोटा होगा मास में। अब आपको क्या करना है, आपको इतना पता चल गया, नाउ ये भी परपेंडिकुलर होगा इसके, तो अगर मैं बोलूं कि मुझे क्या निकालना है इसके लिए, टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको मोमेंट निकालना होता है, तो अगर आप मोमेंट निकाल रहे हो अबाउट ओ, इस पॉइंट को जहां से वो अटैच है इसको आप ओ माने, तो अगर आप मोमेंट निकाल रहे हो, ठीक है, मोमेंट कितना आएगा या फिर टॉर्क आप बोल सकते हैं, वो कितना आएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स ये लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, इससे तो जीरो होगा, इससे कोई भी मोमेंट जनरेट नहीं होगा, मोमेंट जो भी जनरेट होगा वो इससे होगा, तो मोमेंट या फिर टॉर्क कहें वो होगा आपके पास फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स एम जी साइन थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी एल है सपोज, एम जी साइन थीटा एल। ना अब मैं बोलूं तो ये टॉर्क हो गया एम जी साइन थीटा है, अब मैं बोलूं कि जो थीटा है मैंने कहा वो बहुत छोटा होना चाहिए तभी एक परफेक्ट ऑसिलेशन होगा, तो इसलिए हम क्या मानते हैं, अगर साइन जीरो की वैल्यू आप देखें तो वो जीरो होती है, ऐसे ही साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे तो वो कितनी होगी, थीटा होगी, क्योंकि हमने थीटा को बहुत छोटा एंगल माना है, तो ये हो जाएगा एम जी साइन जीरो का जीरो, साइन थीटा का थीटा इंटू एल, तो ये टॉर्क आपका होगा, टॉर्क या मोमेंट्स दोनों सेम होते हैं। अगर आपको बोला जाए कि जो टॉर्क होता है उसका रिलेशन बताओ किसी एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, तो वो हमेशा हमेशा आपको याद रखना है वो ये होता है, आपने ये पहले प्रूफ कर लिया होगा अगर आपने पढ़ा है 11th की फिजिक्स। नाउ इसमें आपको क्या निकालना है, टॉर्क, टॉर्क बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आपको अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो वो होगा टी अपॉन आई यहां से। अब अगर मैं बोलूं इसका मोमेंट निकालिए, ठीक है ना, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई, ठीक है, किसी भी इस ऑब्जेक्ट के लिए वो होगा एम इन टू के स्क्वायर, रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर, तो वो के होगा आपके पास यहाँ पर एल, ठीक है, तो एम एल स्क्वायर। ना अब आपको क्या करना है, टॉर्क की वैल्यू पुट करनी है, आई इन टू टॉर्क की वैल्यू पुट करनी है, तो वो टॉर्क की वैल्यू कितनी थी, एम जी थीटा इंटू एल, और आई की वैल्यू कितनी है, एम एल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, एम से एम कैंसिल, एल से एल कैंसिल, ये आएगा आपके पास अल्फा इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, ठीक है, तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा। अब जो ये आया इसको आप लिख सकते हैं थीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू एल अपॉन जी, तो ये क्या बता रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सिलरेशन, तो टीपी का आपको पता होगा फॉर्मूला, टीपी क्या होता है, टू पाई, अभी अभी निकाला था, टू पाई रूट, इससे पिछली वीडियो में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा थीटा, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो थीटा अपॉन अल्फा, तो ये कुछ फॉर्मूला निकल के आता है। अगर आप इसी को एंगुलर के फॉर्म में ना लिखें, सिंपल फॉर्म में लिखें, तो वो होगा टी पाई, टीपी टू पाई रूट एल अपॉन जी, ठीक है ना, जहाँ पे थीटा होगा लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और जो जी होगा वो भी आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, जो कि
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ऐसा कुछ प्रूफ आपके पास निकल के आ सकता है। जो सेकंड मेथड है, उस सेकंड मेथड में क्या होगा, आपको थीटा की वैल्यू पता है। थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं इस डिस्टेंस को वाई मानूं तो थीटा इज इक्वल टू वाई इंटू एल। ये और भी आसान मेथड है जिसमें लीनियर रिलेशन मिलेगा आपको। इसमें तो आपको एंगुलर मिला था, अब नेक्स्ट इस वाले सेकंड मेथड में आपको लीनियर मिलेगा। तो आपको पता है कि एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा जो है वो क्या काम कर रहा है, वो एक टाइप का रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर रहा है। मतलब जैसे मैंने इसको फोर्स लगाया, मैंने कहा रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा उस फोर्स के अपोजिट काम करता है जो हम उस पर लगाते हैं। तो फोर्स हमेशा इसीलिए हम उसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल में समझाया था फर्स्ट वीडियो में, मतलब दूसरी या तीसरी वीडियो में। तो एफ इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा लेंगे। अब ए अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं फोर्स अपॉन एम लिख सकता हूँ, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास माइनस जी साइन थीटा। अब साइन थीटा अगर इतना छोटा है सेम इसी केस की तरह, तो यहाँ पर आप थीटा लिख सकते हैं, ए इक्वल टू माइनस जी थीटा। अब आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस जी थीटा, थीटा को आप क्या लिख सकते थे, वाई, सॉरी वाई अपॉन एल था, वाई अपॉन एल, क्योंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या ना, ये होता है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको मिल गई, सेम आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन लिखना है। आपको पता है टीपी इज इक्वल टू क्या होता है, टू पाई रूट एक्सेलरेशन अपॉन एक्स। तो एक्सेलरेशन ये हो गया, और सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है, ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको पता है वो है वाई। तो आप जब लिख रखेंगे तो ये आ जाएगा टू पाई रूट वाई अपॉन ए। अब वाई अगर एल है और ए वो जी है, तो टू पाई सिंपल आपके पास आ गया, टी पी इज इक्वल टू रूट, यहां पर लिख देता हूं, टी पी इज इक्वल टू टू पाई रूट एल अपॉन जी। तो ये फॉर्मूला आपके पास निकल के आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।